नेपाल पाकिस्तान के दिमाग पर चीन की धुन का खुलासा होता नजर आ रहा है। भारत के तगड़े जवाब से चीन अब दूसरी चाल चल रहा है, जो आज आपको पता चलेगा कि किस तरीके से नेपाल और पाकिस्तान को अपने कब्जे में लेता नजर आ रहा है चीन और भारत के खिलाफ साजिश रच रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका एडवाइंस इंडिया पर, मैं हूं नवीन चौहान। लद्दाख में एलएसी पर तनाव के बीच चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग पाकिस्तान जाने वाले हैं। इमरान खान और जिनपिंग की दोस्ती तो पहले से गहरी है, पर इस बार मुलाकात में नेपाल के ओली भी हिस्सा ले रहे हैं। मतलब यह है कि चीन नेपाल और पाकिस्तान दोनों देशों को एक मेज पर बिठाकर बातचीत करके उनके दिमाग में अपनी धुन बजाना चाहते हैं। वहीं जब पहली बार जिनपिंग पाकिस्तान गए थे तो कई बड़े वादे अपने दोस्त के लिए किए थे और अब की बार जिनपिंग पाकिस्तान की ताकत में इजाफा करने जा रहे हैं। वैसे तो जिनपिंग इस साल जून में ही पाकिस्तान जाना था, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से दौरा टल गया। लेकिन खबर यह नहीं है कि चीन के राष्ट्रपति पाकिस्तान जा रहे हैं, खबर तो यह है कि जिनपिंग पाकिस्तान को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते हैं। इसके लिए चीन पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए आधुनिक हथियार देने जा रहे हैं। चीन आधुनिक ड्रोन CH-4 UCAV देने वाले हैं। दिसंबर 2020 तक चीन CH-4 ड्रोन पाकिस्तान को सौंप देगा। CH-4 वैसे तो मामूली ड्रोन नहीं है, यह बेहद घातक लड़ाकू ड्रोन है, लेकिन इतना सही है, भले ये तेजी से हमले करने में सक्षम हो जो चीन बता रहा है, इसकी जासूसी की रेंज भी काफी ज्यादा हो। इसमें 350 किलोमीटर तक वजनी हथियार ले जाने का भी दावा किया जा रहा है, लेकिन सच तो ये है कि ये चीनी हथियार है जिनका कोई भरोसा नहीं है। ये रात और दिन दोनों समय में काम कर सकता है। और आपको पता होगा ये कब हो रहा है, ये तब हो रहा है जब भारत के पास राफेल आया। उसी डर से चीन अब पाकिस्तान को हथियार देगा कि वो भारत के खिलाफ इसको इस्तेमाल करें। वैसे आपको याद होगा जब पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ F-16 भी इस्तेमाल किया था, जो हमने मार गिराया था। अभिनंदन ने किस तरीके से उसके धज्जियां उड़ा दी थी, हर कोई जानता है, समझता है। अब खबर सामने ये भी आ रही है कि चीन ने नेपाल को 800 करोड़ का रेलवे प्रोजेक्ट दे दिया है। पाकिस्तान को CPEC प्रोजेक्ट पर जोर देने जा रहा है। चीन पाकिस्तान के ग्वादर में 80 करोड़ रुपए का निवेश भी कर सकता है। चीन के अधिकारी भले ही बार बार ये कहते रहे हो कि ग्वादर बंदरगाह और CPEC का उद्देश्य पूरी तरह से आर्थिक और व्यावसायिक है, लेकिन इसके पीछे चीन की असल मंशा सैन्य प्रभुत्व बढ़ाना है। सैन्य विशेषज्ञों का मानना है कि चीन ग्वादर का इस्तेमाल अपने नौसेना बेस के तौर पर कर सकता है। जाहिर है कि चीन भारत के खिलाफ सैन्य दबाव बढ़ाने की साजिश रच रहा है, लेकिन भारत की सेनाएं भी चीन की हर चाल को नाकाम करने के लिए पूरी मुस्तैदी से तैयार है। भारत सेना LOC के साथ LAC पर भी भारी हथियारों को तैनात कर चुकी है, जो चीन और पाकिस्तान दोनों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सक्षम है। और नेपाल, उसका तो आपको पता ही है क्या हाल होगा। और इसीलिए चीन नेपाल पाकिस्तान का फायदा उठा रहा है और इनकी बाद में जमीन पर कब्जा करेगा, क्योंकि भारत के हथियार चीन को डरा रहे हैं। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और लगातार जुड़े रहिए एडवांस इंडिया के साथ, क्योंकि पल पल के अपडेट आपको देते रहेंगे, बड़ी खबरें आपको दिखाते रहेंगे। नमस्कार।